हम बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज में देखते हैं कि हमेशा दो कपल अंत तक एक साथ रहते हैं। बचपन से कोई भी फेरी टेल बुक हो या फिर कोई भी मूवी में हमने यही देखा है कि देयर इज नो ब्रेकअप, नो कॉन्सिक्वेंसेस इन रिलेशनशिप, ओनली देयर इज अ हैप्पी एंडिंग। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है असल जिंदगी में? इसका जवाब तो हर एक कपल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलेगा। किसी कपल के बीच अगर कोई अनबन ना हो तो यही सुनने को मिलेगा कि या देयर इज अ हैप्पी एंडिंग। लेकिन अगर किसी दो इंसान के बीच रिश्ते में दरार आ जाए तो ये सुनने को मिलेगा कि इट्स नॉट ऑलवेज हैप्पी एंडिंग। वेल, यही तो होता है फर्क रियल लाइफ और रियल लाइफ में। हमने बॉलीवुड मूवीज और फेरीटेल लव स्टोरीज में यही देखा है लगातार कि जब दो चाहने वाले एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं तो उन दोनों के बीच दरार आना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफी बार दो प्यार करने वालों के बीच सब कुछ सही से चल नहीं पाता है, सब कुछ ठीक नहीं रहता है और ब्रेकअप हो जाता है। और आज हम आपके सामने टेलीचक्कर के इस हमारी अधूरी कहानी के सेगमेंट में ऐसे ही ब्रेकअप स्टोरी के बारे में बताने वाले हैं, जहां दो चाहने वाले एक दूसरे के साथ सालों तक एक साथ रहे लेकिन बहुत प्रॉब्लम के कारण एक दूसरे से बिछड़ गए। वन ऑफ द मोस्ट लव कपल्स इन द टेलीविजन इंडस्ट्री, मालिनी दे एंड मिहिर मिश्रा's ब्रेकअप स्टोरी। ये दोनों 16 इयर्स तक एक दूसरे के साथ रहे। दोनों 2004 में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। फिर दोनों की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। बहुत सारे हिट टीवी शोज में काम करने वाली मालिनी दे ने सभी के सामने अपने सेपरेशन के बारे में खुलासा करते हुए बोला था कि शादी भी बाकी रिलेशनशिप की तरह ही होती है, इसमें भी काफी उतार चढ़ाव आते हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि दोनों के सेपरेशन के बारे में मीडिया को ज्यादा बता नहीं सकते हैं और उनकी शादी की पवित्रता को सम्मान करते हुए वो सब कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने अपना बेस्ट दिया लेकिन परिणाम अच्छा नहीं हुआ। वैसे तो मालिनी और मिहिर पहले दोस्त बने थे, फिर दोनों के बीच हुआ था प्यार, फिर शादी हो गई दोनों। हर किसी को उनकी लव स्टोरी फेरी टेल के जैसे लगती थी लेकिन असल में किस्मत को ये मंजूर नहीं था। फिर कैसी लगी आपको मालिनी दे और मिहिर मिश्रा की स्टोरी है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब कर हमारा यूट्यूब चैनल टेलीचक। Know all about the Tele world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.